नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से एक और नया वीडियो राजस्थान की नई भर्तियों को लेकर, जो आगामी पिछले कुछ दिन हुए हैं, दो तीन दिन हुए हैं, इनमें बहुत सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर स्वीकृति जारी की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो उन भर्तियों के बारे में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कौन कौन सी भर्ती है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको पूरी यहाँ पर डिटेल में बता दूंगा। और जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है उसके बारे में भी बता दूंगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली है। अब कौन कौन सी वैकेंसीज है, किस किस विभाग में कितनी वैकेंसीज निकली है, कितनी आगे यानी कि स्वीकृति जारी की गई है, वो पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको टोटल 5 वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिनकी स्वीकृति यहाँ पर जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, सिर्फ स्वीकृति जारी हुई है। तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन सी वैकेंसी निकलने वाली है आगामी आने वाले दिनों में, जिनकी आप तैयारी यानी कि प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपके पुलिस विभाग के अंदर है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, ठीक है। उसमें टोटल पद 326 है, ये आपको पता चल चुका है। अब उसके अंदर देखिए, स्वीकृति यहाँ पर जारी कर दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दोनों यहाँ पर जारी कर दी गई है। टोटल 326 पोस्ट है, कौन कौन सी है थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे कुक के 72 पद है, स्वीपर के 58, धोबी के 51, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 31, मोची के 8, खाती के 7, कैनल बॉय के 6, जलदारी जलवाहक यानी कि उनके 30 पद है, नाई 26, दर्जी 10, सईस 10, फिटर 2, बागवान 1 और फराश के 1। और पदोन्नति से होने वाले जो रिक्त पद हैं उनके 13 पदों सहित कुल 326 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। चलिए, ये तो बात हो गई भर्ती की और टोटल पदों की, किस में कितने पद निकलेंगे। बात अगर क्वालिफिकेशन की करें तो देखिए, क्वालिफिकेशन अप्रोक्स 10th के आसपास यहाँ पे रखी जा सकती है, सीधी भर्ती होने वाली है। और पूरी अभी इसकी जो प्रोसेस है, क्या भर्ती का प्रोसेस रहेगा, क्या फीस रहने वाली है, कब ये फॉर्म आएगा, अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी सिर्फ स्वीकृति यहाँ पर जारी कर दी गई, यानी कि वैकेंसी आएगी, इतना कन्फर्म हो चुका है कि ये वाली वैकेंसी अब जरूर आने वाली है। अब टाइम चाहे कितना भी लग जाओ लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी, स्वीकृति मिल चुकी है। 326 पद तो ये हो गए आपके पुलिस विभाग के अंदर। सबसे ज़्यादा इसी की डिमांड आ रही थी कि सर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ, जो पुलिस विभाग की नई भर्ती आई है उसमें कौन कौन से पद है, क्या हम अप्लाई करें कि नहीं करें। तो इसकी जो सैलरी वगैरह है वो टोटल जो डिटेल आएगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे, क्योंकि देखिए इस बार जितनी भी भर्तियाँ आ रही है उनकी जो भी नई भर्ती आ रही है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया जा रहा है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सैलरी उनकी थोड़ी बहुत चेंज करके यहाँ पे बताई जा रही है। तो हो सकता है इसमें भी कुछ ऐसा कर दे, तो अभी हम बाकी बातें नहीं करेंगे। अप्रॉक्स मैंने आपको बता दिया 10th के आसपास यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन रखी जा सकती है, इतनी हम बात करेंगे। दूसरी भर्ती रिको के अंदर आपकी निकली है, रिको के कुल 238 पदों में भर्ती निकली है। ये भी अच्छी भर्ती है। जो उद्योग मंत्री है परसादी लाल मीणा, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो रिको के अंदर कौन कौन से पद है, 238 टोटल पद है, किस किस विभाग के अंदर कौन से निकली है यानी कौन कौन सी वैकेंसी निकली है वो भी देख लेते हैं। इसमें उप महाप्रबंधक आईटी और टेक्निकल डिपार्टमेंट में 8 है, उप प्रबंधक एचआरडी जीएडी इंफ्रा में 2 पद है, प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के अंदर 2 पद है, सहायक स्थल अभियंता यानी कि सिविल के अंदर 43 पद है, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के अंदर 23 पद है, कनिष्ठ विधि अधिकारी के अंदर 12 पद, कनिष्ठ अभियंता पावर के अंदर 3 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर कम सीनियर असिस्टेंट के 2 पद है, आशुलिपिक के 9 पद है, ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर के 13 पद है, कनिष्ठ सहायक के 74 पद है, वाहन चालक प्रथम के 9 पद है और अधीनस्थ सहायक के 38 पद है। तो ये तो बात होगी टोटल, और वैकेंसी आपकी जल्दी आने वाली है, ये भी इसकी भी स्वीकृति यहाँ पर जारी कर दी गई है, यानी कि वैकेंसी जल्दी आएगी। इसके अलावा अगर बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो देखिए जितने भी मैंने यहाँ पे पोस्ट बताए वो अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी उनकी, सी सबकी सेम ही होने वाले। कोई 10th बेस भी है, 12th बेस भी होगी, आपके ग्रेजुएशन बेस भी होगी, बीटेक बेस भी यहाँ पे आपकी वैकेंसी आपने देख ली है, इंजीनियर की जो वैकेंसी है बीटेक डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी है। तो ये सभी वैकेंसी हो जाएगी रिको के अंदर। तो 2 वैकेंसी की हमने बात कर ली, देखिए अगली 3 और वैकेंसी के बारे में आपको यह बताता हूँ। चिकित्सा विभाग के अंदर, चिकित्सा विभाग के अंदर 6310 पदों की यहाँ पे स्वीकृति जारी की गई है, काफ़ी बड़ी भर्ती है मान सकते हो ये। CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। CHO आपने बेसिकली शॉर्ट में सुना ही होगा, उसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो उनके यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली है, संविदा के आधार पर होगी ये जो वैकेंसी है, ये संविदा के आधार पर होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और पदों की बात करें तो पहले इसके स्वीकृत पद कितने थे, 2310 थे, 2310 थे पहले, और अब 4000 पद और बढ़ा दिए हैं, यानी कि कुल अब हो जाएंगे 6310 पद,
इसकी भी स्वीकृति जारी कर दी गई है। और इसकी बात करें अगर क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन बेसिकली आप बीएससी नर्सिंग वगैरह या फिर जीएनएम कोर्स ये सभी मांग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है चिकित्सा विभाग की वैकेंसी है तो क्वालिफ़िकेशन अप्रॉक्सीमेटली यही रहती है। और संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है, स्वास्थ्य मिशन के तहत ये वैकेंसी निकाली जा रही है, यहाँ पर भर्ती 6310 पदों के अंदर 3 वैकेंसी हो गई। अगली वैकेंसी में बात करूं, यह भी बहुत बड़ी वैकेंसी निकलेगी आपकी, ग्राम पंचायत, जितनी भी नई ग्राम पंचायत अभी बनी है कितनी, 1456 जो अभी नई ग्राम पंचायत बनी है और उसके साथ 57 नई पंचायत समितियां जो बनी हैं उनके अंदर आपकी वैकेंसी निकलेगी। अच्छा इनके अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकलने वाली है ये भी इन्होंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता दिया। ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये दो पोस्ट निकलेगी। कौन कौन सी है, ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट निकलने वाली है। कितनी पद निकलेंगे, कितने पोस्ट निकलेंगे डिटेल में नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको आइडिया दूं तो मैंने आपको कितना बताया, 1456 नई ग्राम पंचायतों के अंदर भर्ती निकलेगी और 57 नई पंचायत समितियों के अंदर निकलेगी। दोनों को मिलाओ तो 1500 से ऊपर होते हैं, हर एक के अंदर एक भी निकले तो भी 1500 के आसपास वैकेंसी जरूर आएगी, तो इतना आप मान सकते हो। ये मैंने आइडिया दिया रफली, ठीक है। अभी इसकी टोटल पदों की यहाँ पर बात नहीं की गई है कि टोटल यहाँ पर कितने पद निकलने वाले हैं। अच्छा इसकी जो निर्देश दिए हैं वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें निर्देश दिए गए हैं, तो इसके भी यहाँ पे स्वीकृति जारी कर दी गई है, तो जल्दी ये वाली वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और वैकेंसी है, वो भी चिकित्सा विभाग के अंदर ही है, तो नवीनतम जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुले हैं उनके अंदर 400 पद स्वीकृत किए गए हैं। अब 400 पद 200-200 करके दो डिवाइड में कर दिए हैं, 200 तो हो जाएंगे पशुधन सहायकों के और 200 हो जाएंगे जलदारी के, ठीक है। तो टोटल जो है वो 400 पद यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्रों के अंदर। उसके अलावा 588 नए पद सृजित किए गए हैं किसके अंदर, उपखंड कार्यालयों के अंदर 588, बहुत बड़ी है ये भी। और इसके अंदर ये बताया गया कि प्रत्येक उपखंड जो कार्यालय है उसके अंदर एक सूचना सहायक और एक कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी। तो आप ये सोच सकते हो कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक, इनकी वैकेंसी निकलने वाली है, तो बड़ी एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है आगे आगामी आने वाले दिनों में। तो पांच विभाग के अंदर मैंने आपको टोटल वैकेंसी बताई है, पांचों अगर मैं काउंट करूं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 1456 जो नई ग्राम पंचायत है उसको मैंने थोड़ा हटाया क्योंकि उसमें डिटेल में अभी नहीं बताया कि कितनी वैकेंसी निकलेगी, उसको हटा भी देते हैं तो भी 7862 पोस्ट यहाँ पर निकल रही है सबको मिला के, टोटल जो चार बची है उनको मिला के। और इसके आप 1500 मिला दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास अगर आती है तो 9000 से ऊपर आपकी वैकेंसी निकलेगी आगामी आने वाले दिनों में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और अच्छा नंबर है। चिकित्सा विभाग के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी निकल रही है, पुलिस विभाग के अंदर निकल चुकी है, रिको के अंदर निकल रही है, ग्राम पंचायत स्तर पर वैकेंसी निकल रही है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट की जो वैकेंसीज हैं जिनकी मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताई, तो इसकी डिटेल अभी नहीं आई है, इसके सिर्फ इतना सा ही बताया स्वीकृति जारी है। जैसे ही इनकी और अदर डिटेल आती है मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। और किसी वीडियो की नीड है तो आप वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि किस के बारे में आपको और डिटेल में जानना है। ये पांच वैकेंसी तो हो गई, इसके अलावा जो वैकेंसी और निकली हुई है उनका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। टोटल 7 वैकेंसी एट प्रेजेंट निकली हुई है जिनका डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आके जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 7 भर्तियां राजस्थान के अंदर अभी निकली हुई है, उनके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी आप भर दीजिए, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं इनके अभी फिर से बता दूँ नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं, नोटिफिकेशन जारी होने में अभी टाइम लगेगा। एक एक करके जैसे ही आती है वैकेंसी वैसे इनका डिटेल में अलग से वीडियो बनाया जाएगा और डिटेल में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी आप अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर ही रहोगे, डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स की क्लास आपकी डेली मॉर्निंग में आ जाती है तो उसे मिस मत करना, वो सारी अच्छे क्वेश्चन से आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नीड है, कोई भी वैकेंसी की नीड है, किसी और वैकेंसी के बारे में पूछना है तो वो डिटेल में बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि सर इस वैकेंसी के बारे में आए, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करूँगा कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।